Hey guys, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पावर गैजेट्स में। दोस्तों, हमारी आज के लाइफ में टेक्नोलॉजी और गैजेट बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं, लेकिन इन गैजेट्स को आप समय समय से अपडेट ना करें तो कहीं ना कहीं आप टेक्नोलॉजी और फीचर्स के मामले में पीछे रह जाएंगे। तो ऐसे नए नए गैजेट्स और टेक्नोलॉजी से अपडेटेड रहने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए। तब तक लिए गाइस, हम चलते हैं अपने पहले गैजेट की तरफ। तो गाइस, आज की हम शुरुआत कर लेते हैं क्यू मैन से। गाइस, ऑफिस रूम से लेकर स्टडी रूम और स्टडी टेबल पर टीनेजर से लेकर बड़ी एज वाले लोगों को भी काम करना पड़ता है, वो भी पेपर वर्क का, जिसके चलते हम यूज करते चले आए हैं पेपर वर्क प्रोडक्ट का। बट उससे भी बहुत ही ज्यादा अच्छा ऑप्शन है ये क्यू मैन। ये ह्यूमन बॉडी के शेप में आने वाला छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जो बना होता है रबर से, जो नेचर में भी बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइंग होता है। और इसके हाथों और पैरों में भी लगे होते हैं काफी पावरफुल मैग्नेट्स, जिससे इनकी मदद से आप किसी भी पेपर को आयरन जैसी जगह पर भी स्टिक कर सकते हैं। वैसे भी ऑफिस और स्टडी करते टाइम हमारी काफी ज्यादा शीट्स रहती हैं, जिससे हमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन भी क्रिएट हो जाता है। ऊपर से जरूरत पड़ने पर हमें ढूंढना भी पड़ता है। ऐसे में इस प्रोडक्ट की मदद से आप क्रिएटिविटी तरीके से और काफी सारे पेपर को मैनेज करके प्रॉपर वे में इसे रख सकते हैं। इसके अलावा गाइस, इसे आप पेपर को होल्ड करने के साथ ही साथ इसे आप पेन होल्डर और काफी सारी चीजों को भी होल्ड भी इसे कर सकते हैं। अब गाइस, हम बात करें इसे परचेज करने की, तो इसे आप अमेज़न से परचेज कर सकते हैं, जिसका लिंक्स भी आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। स्पैरो आर्विया। दोस्तों, रोबोटिक दुनिया में हमने बहुत से तरीके के कमाल के रोबोट भी देखे, जो हर दिन के साथ ही साथ एडवांस होते जा रहे हैं, जिन्हें हमें देखकर तो हैरानी होती है। तो आज इस सीरीज में भी आप ऐसे ही रोबोट को देखने वाले हैं, जो आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेंगे और काफी हद तक आपको एडवांस भी बना देंगे। तो गाइस, एक तरह का ऐसा रोबोटिक टॉय होता है जिससे सिर्फ आप इंजॉय तो कर ही सकते, बल्कि एक तरह का प्रोग्रामेबल रोबोट भी होता है, जिसे आप अपने कंप्यूटर की मदद से इसे प्रोग्राम भी कर सकते हैं। साथ ही गाइस, इसी के साथ में इसमें बहुत से अलग अलग छोटे छोटे अटैचमेंट भी दिए जाते हैं, जिससे आप इसे जोड़ जोड़ कर बहुत से चीजों को भी तैयार कर सकते हैं। साथ ही इसमें प्रोग्रामेबल सोर्स का ऑप्शंस भी दिया जाता है, जिससे आप बहुत से काम को भी आसानी से किया जा सकता है। तो गाइस, इस तरह का रोबोटिक टॉय बच्चों को काफी हद तक पसंद आता है, जिससे वो बहुत सारी चीजों को भी तैयार भी कर पाएंगे। ब्रूस्टर। गाइस, पबजी और फ्री फायर गेमर से लेकर रेसिंग गेमर तक लिए बहुत ही काम का गैजेट लेकर आया हूँ। बेसिकली एक स्टीयरिंग होती है, जिसे आप एक रियल स्टीयरिंग की तरह भी गेम में अपनी कार और बाइक को भी कंट्रोल कर सकते हैं, और साथ ही में पबजी और सीओडी गेम जैसे में काफी आसानी से इन्हें इनहेंस भी कर सकते हो। इसमें जॉयस्टिक और ट्रिगर भी आपको मिल जाता है, जिससे आप पबजी और शूटिंग गेम में भी इसका मजा भी ले सकते हैं। वही गाइस, अगर हम बात करें इसे कनेक्ट करने की, तो इसे आप ब्लूटूथ के जरिए भी इसे कनेक्ट कर सकते हैं, और सबसे अच्छी बात तो ये रहती है कि इसे आपको गेम खेलने में भी आसानी होगी। साथ ही गाइस, आपके गेम में भी पहले से भी रियलिस्टिक हो जाएगा। तो गाइस, हमारे रेसिंग गेमर के लिए बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस मिलने वाला है, वो भी इस गैजेट से। तो ओवरऑल गाइस, अगर आप भी पबजी और सीओडी गेम्स और फ्री फायर जैसे गेम को खेलना पसंद करते हैं, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। स्काई डुओ 2 ड्रोन। दोस्तों, अब आप देखिए इस प्यारे से अमेजिंग ड्रोन को। वैसे तो ड्रोन्स भी बहुत से अलग अलग डिजाइन और फीचर के साथ आते हैं, पर अगर आप एक वीडियो वगैरह को बना रहे हो और आप चाहते हैं एक ऐसा ड्रोन जिसे आप बहुत से सही तरीके से रिकॉर्डिंग भी कर पाएं, बेसिकली गाइस एक ऐसा ड्रोन है जिसे आप बहुत ही बेटर क्वालिटी की तरह वीडियो को भी रिकॉर्ड भी कर पाएंगे। वैसे गाइस, जो नॉर्मल ड्रोन्स आते हैं उनके सेंसर जल्दी से किसी भी चीज को ट्रैक भी नहीं कर पाते, पर ये ड्रोन आपको एक्शन वीडियो बनाने में भी मदद करता है। अगर आप वीडियो वगैरह बनाते हैं तो ये ड्रोन आपको 4K वीडियो 60 FPS में भी रिकॉर्ड करा सकता है। वही गाइस, इसकी टॉप स्पीड भी 36 माइल पर आवर की होती है, और इसका फ्लाई टाइम भी होता है वो भी 23 मिनट का, जिसे आप बड़े आराम से एंजॉय भी कर सकते हैं। साथ ही इसमें 3-axis गिम्बल स्टेबलाइजेशन का सिस्टम भी होता है, जिससे इसकी फोटेज भी एक तरह से क्लियर रहती है। वही गाइस, अगर आप चाहते हैं इसके रिमोट और या फिर इसे कंट्रोल करना, तो इसे आप अपने स्मार्टफोन से भी इसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ओवरऑल गाइस, अगर आप भी इस तरह के ड्रोन की तलाश में, तो ये ड्रोन भी आपको एक बेस्ट क्वालिटी वीडियो प्रोवाइड कर देगा। टिल्ट 5 होलोग्राफिक।
गैस आपने देखा होगा ऐसे बहुत से गेम आते हैं जिन्हें 3D में खेला जा सकता है, लेकिन VR के साथ गेम खेलना इतना ज्यादा कंफर्ट नहीं होता है क्योंकि VR ग्लासेस भी काफी ज्यादा बल्की होते हैं। तो ऐसे में आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह के लेंसेज को जिन्हें 3D में चीजों को समझा जा सकता है। ये एक तरह का 3D ग्लासेस होते हैं जहाँ पर आपको 3D ग्लासेस भी मिल जाते हैं। साथ ही गैस इसमें आपको कुछ कंट्रोलिंग रिमोट्स भी मिल जाते हैं जिसे आप इसे लगाएंगे तो आपको टेबल होलोग्राफिक डायग्राम भी देखने को मिलेगा जिससे आपको ऐसा लगेगा कि गेम चल रहा है और आप गेम को एंजॉय कर रहे हैं। पर गाइस आप गेम का खेलने का मजा तभी ले सकते हैं जब आप VR ग्लासेस को लगाते हैं, तब भी आप गेमिंग का मजा ले पाएंगे। तो गाइस इस तरह का गेमिंग डिवाइस वाकई में बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल रहता है जिससे आप अलग अलग तरीके से गेम का भी मजा ले सकते हैं। कैप्टन अमेरिका शील्ड। अब गैस हम आपको मिलवाते हैं एवेंजर की शान यानी कि कैप्टन अमेरिका से। एवेंजर मूवी में एवेंजर्स अपने शील्ड की मदद से बड़े बड़े दुश्मनों को भी हराते चले आए हैं। पर हमने जो मूवी में शील्ड को देखा था, पर उसी तरह की शील्ड हमारे रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करती है और इसी शील्ड को आप अमेजोन से इजिली परचेज भी कर सकते हैं। साथ ही इस शील्ड को आप अपने हाथों में पहनते हैं तो इसके बटन को प्रेस करेंगे तो ये ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जो दिखने में भी बहुत ही ज्यादा कूल और बहुत ही अमेजिंग लगती है। सिंपली आपको इसे पहनने के बाद आपको इसके शूटर को भी लोड करना होगा जिसे इसके हैंडल को पीछे पुल करना होगा जिसके बाद डर्ट लॉन्चर भी बाहर आ जाएंगे और आप इसे डर्ट को भी शूट भी कर सकते हैं। साथ ही इसमें आपको कुछ औसम सी एसेसरीज भी मिल जाती है जिसे आप अपने फ्रेंड के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। तो गाइस अगर आप भी फैन है एवेंजर्स के तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा गैजेट सबसे ज्यादा अच्छा लगा। फ्लिप ग्रिप। गैस अब तो आज के टाइम के फोन का साइज भी बढ़ता ही चला जा रहा है और जिसे होल्ड कर पाना भी एक बड़ा ही काम हो जाता है। साथ ही साइज में बड़े होने के चलते ये हाथों से भी छूट जाते हैं, पर इसे बचाने के लिए हम काफी अलग अलग तरह की ग्रिप का भी यूज करते हैं, पर उनमें भी फिंगर्स में काफी ज्यादा दिक्कतें होती हैं। तो आप मिलिए फ्लिप ग्रिप से। फ्लिप ग्रिप भी एक अच्छी डिवाइस है तो इसे आप अपनी फिंगर में भी इसे कम्फर्ट वे में इसे पकड़ भी सकते हैं और इसके कमाल के ग्रिप के चलते आपका फोन भी सिक्योर रहता है। और साथ ही फ्लिप ग्रिप भी 360 में रोटेट भी हो सकती है जिसे आप अपने फोन को अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग इसे होल्ड भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी ये फोन स्टैंड की तरह भी काम करता है जिसे आपको अपने फोन को भी टिका कर रखना भी नहीं पड़ेगा और ये काफी ज्यादा थिन भी होता है जिसे अगर आप अपने फोन की वायरलेस चार्जिंग करते हैं तो आपको इसे हटाना भी नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप इसे हटाना चाहते हैं तो इसे आप हटा भी सकते हैं। तो गाइस फ्लिप ग्रिप आपके फोन को यूज करने के तरीके को और भी ज्यादा एडवांस बना देता है। मैटमो ग्रिप। दोस्तों हम अपनी डेली की लाइफ में बहुत से अलग अलग तरह के टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे में आप मिलिए मैटमो ग्रिप से, क्योंकि ना सिर्फ एक टूल ही है बल्कि ये तो एक फिजिट गैजेट के तरह भी यूज कर सकते हैं। इसे आप काफी अलग अलग जगह पर भी इसे यूज कर पाएंगे, वो भी अपने कामों में। इसी के साथ इसे आप अपने फिजिटिंग के लिए भी इसे यूज कर पाएंगे जिसे आपको भी सेटिस्फाइंग वाली फीलिंग भी प्रोवाइड कर देगा। इसके अलावा अगर आप फ्री बैठे हैं और टाइम पास करना चाहते हैं तो इससे आप स्ट्रेस को भी कम कर सकते हैं। मैटमो ग्रिप ये सब काम को बहुत ही इजीली कर देता है। डेली की लाइफ में भी ऐसा बहुत से मौके होते हैं जिसे अगर आपको स्क्रू वगैरह को टाइट करना हो तो मैटमो ग्रिप ये काम को इजीली कर देता है। तो गाइस अगर बात करें टाइम पास की तो मैटमो ग्रिप एक मल्टी टूल गैजेट हो जाता है। अब गाइस आपकी बारी है, जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए। साथ ही गाइस अगर आपने इंस्टाग्राम पे पावर गैजेट्स को फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से उसे फॉलो कर लीजिए। तब तक लिए गाइस आप सेफ रहिए, एंजॉय करिए, मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में कुछ नए गैजेट के साथ।